दोस्तों नमस्कार, सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। आज अपन देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर चैप्टर टू, बुक नंबर फॉर्मूला। तो हेडिंग लगाओ आप चैप्टर टू। चैप्टर टू और इसका नाम क्या है? बुक नंबर फॉर्मूला। बुक नंबर। इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपन एक सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, तो मैं कोई बीच में टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, एक साथ में ले रहा हूँ। यूँ नहीं है कि एक टॉपिक ये पढ़ा है, एक टॉपिक ये पढ़ा है, ये ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देख लो अपने सीसी शुरू की, सब सीसी के पूरे एडिशन पढ़ लिए, फिर अपन वर्तमान के अंदर यूज करते हैं सिक्स एडिशन, उसके बारे के अंदर अपने विस्तार से चर्चा कर ली, और सिक्स एडिशन के बाद के अंदर जो वर्तमान के अंदर सिक्स एडिशन यूज करते हैं उसी के अनुसार अपन चलते हैं। तो सिक्स एडिशन चैप्टर टू के अंदर अपन को बुक नंबर फॉर्मूला दिया हुआ है जो हर किसी के अंदर काम आता है, और क्वेश्चन यहाँ से एक पुटअप हो रखा है, वो भी थोरी का। क्या हुआ था, मैं एक थोड़ी लिखा रहा हूँ आपको, एक परिभाषा, बुक नंबर फॉर्मूला है क्या, और इसी परिभाषा में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बुक नंबर फॉर्मूला क्या है, इसकी आप परिभाषा लिखो। बुक नंबर क्या है? किसी भी प्रलेख के विषय के अतिरिक्त, मतलब सब्जेक्ट के अतिरिक्त अन्य विशेषताओं, सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो अन्य विशेषताओं को बताने वाले, तथ्य कह सकते हैं इसको अपन, तथ्य क्या कहलाते हैं? बुक नंबर फॉर्मूला। तो बुक नंबर फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के अतिरिक्त, सब्जेक्ट तो क्या कोई विषय बता देता है, जैसे अपन कोई भी टॉपिक लेंगे तो उससे पता चल जाता है अपने विषय किस सब्जेक्ट का है, ये किस विषय का है, लेकिन बुक नंबर फॉर्मूला बताता है जो सब्जेक्ट के अतिरिक्त अन्य विशेषताओं है उनको प्रदर्शित करता है। और क्वेश्चन यहीं से पुट हो रखा है कि बुक नंबर से अपन को किस से जानकारी मिलती है, तो विषय के अतिरिक्त जो है उनकी विशेषताओं के अंदर अपने जानकारी मिलती है, सिर्फ विषय को छोड़कर। ये चीज याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है बुक नंबर फॉर्मूला। तो अब अपन देखते हैं बुक नंबर फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। तो बुक नंबर फॉर्मूला है क्या, पहले तो मैं इसको एक लिख देता हूँ लाइन के अंदर, फिर अपन को आज इजी हो जाएगा। बीच नंबर है एल एफ वाई ए वी वी एस वी एस सी और सी आर, छोटा आर, ये दोनों साथ में सी आर। समझ आ गया बुक नंबर फॉर्मूला क्या है? अब इस बुक नंबर के अंदर जो शुरू के चार हैं इनके लिए कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रखा है, कोई भी योजक चिन्ह है एल एफ वाई ए इनको छोड़ दो, बाकी जो पीछे चार है इनके लिए योजक चिन्ह का प्रयोग है। जैसे वॉल्यूम के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, डॉट का प्रयोग करेंगे, एस के लिए हाइपन का प्रयोग, सी के लिए सेमी कोलन का प्रयोग, और क्रिटिज्म यानी सी आर के लिए अपन को करेंगे कोलन का प्रयोग। इनका मैं विस्तार से नाम लिखूंगा क्योंकि कुछ नारक का सी का मतलब क्या होता है, हम एक एक टॉपिक वाइज लेंगे और एक सीरियल वाइज, ताकि अपन को कुछ तकलीफ नहीं, नोट्स बनाने के अंदर ही तो अपन को एक साथ सारा मटेरियल प्राप्त। ये नहीं है कि एक टॉपिक ये पढ़ूंगा और एक टॉपिक वो पढ़ा, ऐसा नहीं है। मैंने शुरू यूनिट टू से शुरू किया तो पूरा यूनिट टू करूंगा एक साथ, और हर टॉपिक लेते चलते एक सीक्वेंस के अंदर चलेंगे। तो बुक नंबर क्या है? एल एफ वाई ए वी एस सी ओ सी आर। समझ में आ गया। अब इसके अंदर अपन देखते हैं अलग अलग नाम है इसका। देखो सबसे पहले एल को अपन कहते हैं लैंग्वेज। एल बराबर क्या है, यहां पर एल की फुल फॉर्म है लैंग्वेज, तो लिख दो आप
लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब क्या है, भाषा हिंदी में लिख लेना लैंग्वेज, एल की कभी भी फुल फॉर्म पूछे क्या लिखना आपको लैंग्वेज। फिर आता है एफ, एफ का बोलता है फॉर्म, फॉर्म नंबर मतलब रूप कैसा है उसका, किस रूप के अंदर है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर लिखा रहा हूं। फिर आता है वाई, वाई का तो आप सिंपल है, वाई का मतलब क्या होता है, ईयर, ईयर यानी वर्ष। फिर होता है ए, एल एफ वाई ए, बिने जो योजक चिन्ह के शुरू के चार है, एल एफ वाई ए, ए का मतलब एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर मतलब अपने प्रीग्रेन रजिस्टर होता है ना, उसको प्रीग्रेन रजिस्टर अंदर आप एक्सेशन नंबर लिखते हैं, एक्सेशन संख्या, ठीक है। ए शुरू के हो गए चार, जिसके अंदर अपन ने किसी भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। फिर आता है बाद वाले, जैसे वी, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, क्योंकि इसके साथ योजक चिन्ह है तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, वी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर। फिर आता है वी एस, एस का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री नंबर। फिर होता है सी, सी का क्वेश्चन आ रखा है कई बार, सी का मतलब होता है कॉपी नंबर। और लास्ट है अपने सी आर, और सी आर का मतलब होता है क्रिटिज्म। अभी क्रिटिज्म, क्रिटिज्म नंबर, क्रिटिज्म का नंबर होता है समीक्षा। आपने कई कई वर्ड सुना होता है, इसका हिंदी में लिखो आप समीक्षा, या टीका टिप्पणी करते हैं ना अपन किसी के बारे के अंदर, रिपोर्ट देते हैं उसको, इसको समीक्षा भी, और इसको अच्छी तरह समझ लेके लिख लो आप, लिखो टीका टिप्पणी, टिप्पणी से आप समझ जाओगे टीका टिप्पणी, इसको एक क्रिटिज्म होता है। इसी क्रिटिज्म को क्वेश्चन आ रखा है ये, कि इस क्रिटिज्म को रंगानाथ ने किसकी संज्ञा थी, ईवीएन नंबर, ईवीएन, ईवीएन नंबर किसने कहा था, रंगानाथ ने कहा था। समझ में आ गया, एक एक पॉइंट लिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप, एक एक पॉइंट, ईवीएन नंबर रंगानाथ ने इसको क्रिटिज्म नंबर को कहा था, ये हुई बात। अब इसके अंदर साथ के अंदर मैं लिख देता हूं, यहीं पर वॉल्यूम से शुरू करते हैं, शुरू के चार तो ऐसे ही एल एफ वाई है, इसके अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, दो चार बार रटना पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि ये एल एफ वाई है, वी एस सी और सी आर, वी एस सी और सी आर, शुरू के चार के अंदर कोई योजक चिन्ह है योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, बाकी चार वी, वी के अंदर वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर किसका प्रयोग होता है, तो डॉट का प्रयोग, डॉट का प्रयोग होता है, जैसे अपन कोई है कि वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम सेकंड है, ऐसे वॉल्यूम, समझते हो ना, कि भाई क्वेश्चन के अंदर अपन कोई बुक लेते हैं तो उसके अंदर लिखा आता है वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम थर्ड, वॉल्यूम फोर्थ, इस तरह उसको कहते हैं अपन वॉल्यूम नंबर, और इसको किससे जोड़ते हैं, डॉट के साथ जोड़ते हैं। फिर आता है सप्लीमेंट्री नंबर, सप्लीमेंट्री के लिए मैंने बताया हाइपन का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, हाइपन का प्रयोग, समझ में आएगा। फिर कॉपी नंबर, कॉपी नंबर के लिए सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं, सेमी कॉलन, और सिया समीक्षा के लिए कोलन का प्रयोग करते हैं, समझ आ गया, ये चार तरह के प्रयोग है जिसको अपन ईवीए नंबर कहते हैं। ये थी अपनी बुक नंबर फॉर्मूला, एकदम इजी बुक नंबर फॉर्मूला है, इसको पहले तो बुक नंबर है क्या, विषय को छोड़कर अतिरिक्त विशेषता है उसको बताता है, तो क्वेश्चन आ रखा है कि बुक नंबर फॉर्मूला किसको बताता है, विषय को छोड़कर, विषय को छोड़कर अतिरिक्त जो सूचना है अपन को उसके बारे में अंदर जानकारी किससे मिलती है, बुक नंबर, देख लो इससे सब्जेक्ट कहीं मिल नहीं मिलती। एल एफ मतलब लैंग्वेज भाषा के बारे में अंदर, एफ मतलब फॉर्म नंबर है रूप के बारे के अंदर, वो कैसा रूप है उसका, रूप का मतलब समझ दो, ऑडियो वीडियो कैसे है, वो ऑडियो है वीडियो है कॉपी के अंदर है किस तरह से उसका रूप है उसके बारे में। फिर ईयर कब आई थी, ईयर का, और ए का मतलब एक्सेशन नंबर, जब अपन बुक को पुस्तकालय के अंदर रिपोर्ट करते हैं तो एक्सेशन नंबर उसको रजिस्टर करके अपन लिखते हैं, एक्सेशन नंबर रजिस्टर, और 16x13 इसकी साइज होती है, 16x13 रजिस्टर की साइज है ये, इसीलिए अपन को एक्सेशन नंबर लिखा जाता है, और एक बुक का एक एक्सेशन नंबर ही होता है, वो फट जाए कुछ भी हो जाए एक्सेशन नंबर दोबारा नहीं दिया जाता है।
फिर एक्सेशन नंबर अपन पता कर सकते हैं बुक कब आई थी इस तरह। फिर था वी, वी का मतलब अपने मैंने बताया था वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम फर्स्ट है सेकंड है फोर्थ है इस तरह। हर बुक के अंदर अपन कोई भी बुक लाए कंपटीशन की भी लाए उसके अंदर भी लिखा था वी वी वन वी टू वी थ्री ऐसे। फिर आता है एस मतलब सप्लीमेंट्री नंबर क्या है इसका। फिर आता है सी मतलब कॉपी नंबर क्या है जिसके लिए अपन कहते हैं सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं। और सी आर मतलब क्रिटिज्म नंबर, क्रिटिज्म नंबर समीक्षा क्या है इसको, इसके अंदर टीका टिप्पणी कोई है तो उसको अपन नोट किया जाता है। और इसी को रंगानाथन ने किसकी संज्ञा दी थी, ईवीएन नंबर की संज्ञा दी थी। ये थी अपनी बुक नंबर फॉर्मूला चैप्टर 2 के बारे के अंदर विस्तार से बता दिया मैंने आपको। एक बार आप इसकी परिभाषा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बुक नंबर फॉर्मूला का अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बुक नंबर फॉर्मूला और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक नंबर फॉर्मूला। हर एक कंपिटिशन एक क्वेश्चन यहाँ से पुट होगा, एक को बस एक ये आज पढ़ा ये रट लो, एक क्वेश्चन आपका पक्का है 100% आपका क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बुक नंबर फॉर्मूले के बारे में। छोटे छोटे वीडियो से अपन पूरा कोर्स कर लेंगे, एक बहुत बड़ा वीडियो बना दूंगा आपको। अगर बहुत बड़ा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स के अंदर बना दो, मैं एक एक घंटे का वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताना कि आपको कैसे वीडियो ये छोटे छोटे ताकि समझ में आ जाए, और एक सीक्वेंस के अंदर सीरियल के अंदर अपन चलेंगे तो आराम से हो जाएंगे। ऐसा नहीं बाकी की तरह कि मैंने एक 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 टॉपिक ये टॉपिक पढ़ा दिया अभी वही छोड़ दिया, नहीं पूरा पढ़ूंगा आपको और एक सीरीज के अंदर ही पढ़ूंगा। ये तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपकी कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट्स के अंदर लिख देना या वीडियो के नीचे में चैनल का लिंक दे रहा हूँ उसके अंदर भी आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।